हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग सेंट स्टीफेन कॉलेज के बारे में बात करेंगे, कैसे आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी प्लेसमेंट क्या है, फीस वगैरह सारा कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है, एंड इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1881 इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, एंड इसकी कैंपस वगैरह बहुत बड़ी है। उसके बाद अगर हम लोग कोर्सेज की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपको यहाँ पे BA ऑनर्स करने को मिल जाते हैं, इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश से, हिस्ट्री से, फिलोसफी से एंड संस्कृत से, एंड BSc ऑनर्स भी आपको मिल जाती है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, एंड BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस से भी मिल जाती है, एंड BA प्रोग्राम वगैरह। तो यहाँ पे आपको साइंस एंड आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर्ड होते हैं, बट कॉमर्स के कोर्सेज यहाँ नहीं है, लाइक BCom या फिर BCom ऑनर्स वगैरह। एंड पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पे आपको MA इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, संस्कृत इस सब से मिल जाती है, एंड MSc भी आपको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए आपको CUET की एग्जाम देनी होगी, एंड 2020 U2 से आपको पता होगा कि CUET की एग्जाम देकर ही आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अफिलिएटेड है, तो इसके लिए भी आपको CUET की एग्जाम देनी होगी, एंड आपको उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल करनी होगी। सेकेंड स्टेज में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग से फॉर्म फिलअप करनी होगी जो इनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आती है, एंड थर्ड स्टेज में आपको इसमें कॉलेज एंड कोर्स सेलेक्ट करना होगा। तो आप लोग स्टीफेन कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे, एंड उस जो भी कोर्स इससे करना चाहते हो BA या फिर BSc वो सेलेक्ट कर लोगे, एंड फोर्थ स्टेट में आपका सीट अलॉटमेंट होगा थ्रू मेरिट लिस्ट। यही सिंपल फोर स्टेट है जिससे आप लोग सेंट स्टीफेन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की फीस की अगर बात करें तो 25,000 to 35,000 के अराउंड इसकी फीस रहती है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 लाख अराउंड यहाँ आपको एवरेज पैकेज मिल जाती है, एंड यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रेपुटेड कंपनी वगैरह भी आती है, एंड ये सब प्लेसमेंट वगैरह तो आपके कोर्स एंड स्किल पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर आप लोग BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो आपकी प्लेसमेंट वगैरह ज़्यादा चांसेस रहती है, एंड उसमें जो एवरेज पैकेज होती है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिल जाते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको दोनों हॉस्टल यहाँ से मिल जाते हैं। तो आई होप आपको सेंट स्टीफेन कॉलेज के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं।